हेलो। तो आ चुके हैं मेरे सारे सारे बच्चे दोबारा से, वेलकम बैक। आज भी देखो हमने आपके लिए स्टिकर लगा दिया, वेलकम टू ऋषभ अरोरा कॉमर्स क्लासेस। तो जो लास्ट 3 वीडियोस हमने अपलोड करी तो उसमें काफ़ी दो स्टूडेंट्स का हमारे पास रिस्पांस आया। उन्होंने कहा कि सर आपका वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा है, हमें परेशानी होती है। फिर हमें भी लगा ये कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है। देखो जेन्युइन प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को अगर इतनी लंबी वीडियो हम देंगे तो हो सकता है कि वो इतना टाइम पीरियड तक इतना कंसंट्रेशन के साथ ना पढ़ पाए। तो हमने तय किया हम वीडियो तो उतनी बनाएंगे, लेकिन लॉन्च जब उसको करेंगे तो पार्ट वाइज करेंगे उसको। जब हम आपके पास वीडियो यूट्यूब पर आएगी तो पार्ट्स में आएगी, एक पार्ट और दो पार्ट, एक वीडियो के दो पार्ट हुआ करेंगे। बात क्लियर? तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। तो जो आज की हमारी चर्चा होगी वो 4 स्पेशल ट्रांजिशन के ऊपर है। ये 4 स्पेशल ट्रांजिशन 11th के बच्चों को ही नहीं, सीए वाले बच्चों को भी दिक्कत करती है। इस ट्रांजिशन का बेस 11th में अच्छे से बनाया ही नहीं जाता, इसलिए आपको पेपर में भी दिक्कत आएगी। इन ट्रांजिशन में आती है, तो अगर आप ये 4 ट्रांजिशन पक्का पक्का बेटा अच्छे से समझेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये 4 ट्रांजिशन 2 इस वीडियो और 2 अगली वीडियो के थ्रू हम आपको समझाएंगे। तो पहली ट्रांजिशन, जो 4 में से पहली ट्रांजिशन है अक्रूड इनकम की, हम वो आपको सिखाने जा रहे हैं। आप अगर वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो अक्रूड इनकम बेसिकली होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात। अक्रूड इनकम होता क्या है? अक्रूड इनकम्स, देखो हमने आपसे चर्चा करी थी कि बिजनेस में बड़ी सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आप धंधा करोगे फ्यूचर में जाके, जो कि आप करोगे, मुझे पता है आप धंधा करोगे, बिजनेस करोगे, जितने भी मेरे सामने बैठे हैं ये सब बिजनेसमैन बैठे हैं, बिजनेस वुमेन बैठी हैं, तो आप लोग को पक्का पक्का बेटा बिजनेस जरूर करना है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी पोजीशन हासिल करनी है बिजनेस में जो कि किसी ने ना कर रखी हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। अकाउंट्स आपका सब्जेक्ट है, इसलिए तो ये जो बिजनेसमैन होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा था लास्ट वीडियो में हमने बताया था बिजनेसमैन का काम क्या होता है, माल खरीदना और बेचना। हम MS धोनी वाला क्वेश्चन कर रहे थे, वो धोनी रॉ मटेरियल खरीदता है क्रिकेट बैट का और बना के बेचता है। तो इसका काम क्या है? परचेज करना और सेल करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, एक जब धोनी माल सेल करेगा जरूरी है कि कैश तुरंत ही आ जाए? जरूरी है कि कैश तुरंत ही आ जाए? नहीं। हमने देखा था कभी कभार माल कोई लोग उधारी पर भी ले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट। याद करो, अपने फादर से पूछो, क्या फादर आपके दुकान से कोई माल उधारी पे ले जाता है? उनका जवाब होगा हाँ। कभी कभार कोई कस्टमर आते हैं, ले जाते हैं उधारी पे माल, कहते हैं बाद में पैसे दे देंगे। तो उनकी रिकॉर्डिंग हमने लास्ट क्लास में देखी थी कैसे करते हैं, उनको हम डेटर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारे एसेट होते हैं। बात क्लियर? तो मेरे को एक बात बताओ, सेल के अलावा ऐसी बड़ी सारी और भी इनकम्स होती हैं बिजनेस में? इनकम्स अन्य प्रकार की भी हो सकती है। वैसे बिजनेस का काम क्या है? माल को बेचना और उस पर प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन इसके अलावा भी बड़ी सारी इनकम्स होती हैं। ध्यान से समझना मेरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने कभी FD के बारे में सुना है? FD क्या होती है? FD क्या होती है? आपके फादर मदर ने FD करा रखी होंगी आप लोगों के नाम, अपने नाम, क्या आपने कभी सुना है? FD को फुल फॉर्म जो होती है वो होती है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या आप अपनी कंपनी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो? द आंसर इज यस। आप अपने बिजनेस के नाम फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, अपने नाम नहीं, अपने कंपनी के नाम।
आपने अपनी कंपनी के नाम फिक्स डिपॉजिट करा रखा है। आपको पता है ये फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करता है? आपको पता है क्या? आप लोग को जानना है ये फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करता है? सर हाँ, हमें जानना है सर ये फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करता है। आओ जरा देखें, ध्यान से देखना कि फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मान लो आपने 1 अप्रैल 2017 को बैंक को फंड दिया। फंड मतलब कोई मॉनिटरी अमाउंट, कोई पैसे दिए बैंक को। सपोज मैंने मान लिया आपने बैंक को दिए 1 लाख रुपीस। अब बैंक क्या करेगा इस पैसे का? आपने बैंक से कहा मेरी 1 लाख रुपए की एफडी कर दो। बैंक आपका कुछ टाइम पीरियड के लिए, सपोजिंगली वो टाइम पीरियड है 2 साल, 2 साल के लिए बैंक आपका पैसा फिक्स कर लेगा। अब आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते बैंक से। ये क्या हो गया? एक तरह से फिक्स्ड। आपने जो बैंक में डिपॉजिट कराया वो डिपॉजिट क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। तभी तो इसका नाम क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। अब 2 साल के बाद, माइंड माई वर्ड, 2 साल के बाद क्या होगा? पहला साल कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च 2018 को। दूसरा साल कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2018 को। और दूसरा साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 को, आपको पता है इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है क्या होता है? बिजनेस का ईयर आपको पता है कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। खैर हम टॉपिक से हट रहे हैं। तो 31 मार्च 2018, ये 1 साल खत्म हो गया। 1 साल 1 अप्रैल से लेकर यहां तक ये क्या खत्म हो गया? ये 1 ईयर खत्म हो गया। ये 1 ईयर खत्म हो गया, 1 ईयर खत्म हो गया। ये यहां से यहां तक ये क्या है? ये 2रा साल है। मुझे बात बताओ, आपको बैंक पैसा कब देगा? 1 ईयर के एंड में थोड़ा सा दे देगा कि इकट्ठा 2 ईयर के एंड में देगा? बताओ भाई साहब, इकट्ठा मिलेगा आपको पैसा। और वो भी कब मिलेगा? जब 2 साल पूरे खत्म हो जाएंगे तब मिलेगा। जब 2 साल पूरे खत्म हो जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा? जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए वो तो मिलेगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है 30,000 रुपए का, तो आपको 2 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे? 1,30,000 रुपए आपको मिलेंगे। बात क्लियर हो रही है? आपको 2 साल के बाद पैसे मिल रहे हैं। जो आपने कमाई करी इस एफडी से, कितनी कमाई करी आपने? करी है 30,000 रुपए की कमाई। 1 लाख तो आपने बैंक को खुद ही दिए थे, भूल गए? 1 लाख तो आपने बैंक को दिए थे कि मेरे पैसे का फिक्स्ड डिपॉजिट कर दो। आपने 2 साल पेशेंस से वेट किया उस पैसे का, आप भूल गए उस पैसे को। लेकिन 2 साल बाद बैंक आता है आपके घर, भाई साहब आपके वो 1 लाख रुपए अब 1,30,000 हो गए हैं, जरा ले जाओ। आप खुशी खुशी जाते हो, वो 1,30,000 ले आते हो, आप बड़े खुश होते हो कि मैंने 30,000 रुपए कमा लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 30,000 आपने कब कमाए? पहले साल में कमाए कि 2रे साल में कमाए? ध्यान से सोचो और मुझे बात बताओ। आपने ये पैसे दोनों साल कमाए। सर ये थोड़ी ना होता, जब हमें अगले साल 2रे साल के बाद मिले हैं तो ये पैसे तो तभी कमाने चाहिए। नहीं, आपको ये पैसे मिले 2 साल के बाद हैं, लेकिन इसमें से कुछ कमाई पहले साल की भी है, कुछ समाई 2रे साल की भी है। अगर 30,000 रुपए 2 साल के आपने कमाए हैं, 30,000 रुपए अगर 2 साल के आपने कमाए हैं, तो मुझे बात बताओ, 30,000 अगर 2 साल की इनकम है तो 1 साल की कितनी हो गई? 15,000। और अगले साल की भी कितनी हो गई? 15,000। हालांकि जो पैसे हैं आपको मिले कब हैं? 2रे साल के एंड में। पूरे 30,000 रुपए इकट्ठे आपको 2रे साल के एंड में मिले हैं, लेकिन कमाई तो 15,000 रुपए ही है। तो मुझे एक बात बताओ आप, एक जो आपने पहले साल के एंड में कमा लिए, मिले नहीं है, पहले साल के एंड में आपने 15,000 कमा तो लिए पर बैंक ने आपको दिए नहीं है,
बैंक ने कब देगा? बैंक जब 2 साल तक आपकी फिक्स डिपॉजिट एज इट इज पड़ा रहेगा तब बैंक देगा आपको। तो कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं बिजनेस में जो आपने अर्न कर ली है। क्या ये 15,000 रुपए आपने अर्न नहीं कर रहे पहले साल के बाद? अर्न कर लिए हैं पर ये रिसीव्ड नहीं हुए। अर्न, आपने पैसे कमा लिए, अर्न कर लिए हैं बट नॉट रिसीव्ड। आपने कोई चीज अर्न कर ली है, कमा ली है, कमाने को दूसरा नाम होता है अक्रूड। अक्रूड, आपने इनकम को अक्रू कर लिया है, अक्रू मतलब अर्न कर लिया है बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली है पर अभी आपको पैसा मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, जिनको समझ नहीं आया दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ। हमारे जो हम यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग बड़ी सारी फैकल्टीज को ऑप्शन देते हैं कि आप लोग होम ट्यूशन्स भी पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को। वो अपना नाम हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कराते हैं, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हमें होम ट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम अपने यहाँ से फैकल्टीज़ को उनके यहाँ स्टूडेंट्स के यहाँ भेजते हैं पढ़ाने के लिए। मुझे एक बात बताओ आप, वहाँ पे उनको पेमेंट कैसे मिलेगी? क्या एडवांस में मिलेगी कि पढ़ाने के बाद मिलेगी? वहाँ उनको जो पेमेंट मिलती है वो जब एक टाइम पीरियड तक पढ़ा लेते हैं, सपोजिंगली जो टाइम पीरियड है मान लो 20 क्लासेस का है, मान लो उन्होंने 20 क्लासेस पढ़ाई फिर उन्हें पेमेंट मिलेगी। एक क्लास की उनके जो पैसे उनको मिलते हैं वो 500 रुपीज मिलते हैं। मान ले वो रोज स्टूडेंट्स के पास जाते थे, डेली मंडे को जाते थे क्लास दे के आ जाते थे, ट्यूसडे को जाते थे क्लास दे के आ जाते थे, वेडनेसडे को जाते थे क्लास दे के आ जाते थे, ऐसे उन्होंने 18 क्लासे स्टूडेंट्स को दे दी। क्या उन्होंने कुछ पैसे कमा लिए 18 क्लासों में? बिल्कुल, एक क्लास के 500 रुपए हैं तो 18 × 500 कर लो सर, हमें पता लग जाएगा कितने सर ने कमा लिए। उन सर ने 9,000 रुपीज कमा लिए। उन सर ने स्टूडेंट्स को क्या 18 क्लास दे दी? हाँ दे दी। तो जब क्लासें दे दी तो क्या उनकी अर्निंग हो गई? हाँ हो गई, अर्निंग हो गई, अर्निंग हो गई भाई साहब, अर्निंग हो गई। लेकिन क्या ये अर्निंग रिसीव्ड भी हो गई? नहीं। ये रिसीव्ड कब होगी? जब वो सर स्टूडेंट को कितनी क्लासेस दे देंगे? 20 क्लासेस दे देंगे। तो मुझे बात बताओ, ऐसी कौन कौन सी बिजनेस में ऐसी बड़ी टाइप की इनकम्स आती हैं? कमीशन की इनकम आती है, आपने अर्न कर ली है बट रिसीव्ड नहीं करी, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? आओ देखते हैं, आओ देखें, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होता है इसका। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी को एज इट इज कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है बैंक का इंटरेस्ट, बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देते हैं ना, बैंक का इंटरेस्ट अक्रू हो गया बट नॉट रिसीव्ड। अक्रू हो गया, क्या इनकम हो गई? और इनकम हो जाती है तो हम कहां प्लस करते हैं? कैपिटल के अंदर प्लस करते हैं। बताओ क्या कैपिटल में करते हैं कि नहीं करते? भूल गए 3 क्लासों तक क्या पढ़ा है? नालायक कहीं के 3 क्लासों में आपने यही तो बताया कि जो इनकम होती है कैपिटल में प्लस होती है और जो एक्सपेंस होता है वो कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। जो भी प्रॉफिट होगा मालिक को दे दिया जाएगा, जो भी नुकसान होगा मालिक से ले लिया जाएगा। तो ये आपकी इनकम हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। ट्रीटमेंट क्या होगा आओ देखते हैं। आपने इनकम कमा ली हालांकि रिसीव्ड नहीं हुई, तो कैश में तो प्लस होगा नहीं, तो क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? आपने इनकम कमा ली, लाओ कैपिटल में प्लस कर दो 500 रुपीज, और एक अक्रूड इंटरेस्ट नाम का एक एसेट में कॉलम आ जाएगा। एक एसेट में न्यू कॉलम खोल लेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट, ये आपका एसेट है। आपको फ्यूचर में इससे पैसे मिलेंगे क्योंकि आपने इनकम तो कमा ली है, अब फ्यूचर में पैसे भी तो मिलेंगे ना। वो टीचर जब 20 क्लास पढ़ा लेगा पूरी तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे क्या? उसको पैसे मिलेंगे। तो ये अक्रूड इंटरेस्ट क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया? मान लो प्लस 500। मान लो फ्यूचर में ये पैसे मिल जाते हैं, फ्यूचर में, अभी तो बात नहीं कर रहे, फ्यूचर में अगर मिल जाते हैं तो क्या होगा? तो उसके पास कैश आ जाएगा, तो कैश में प्लस हो जाएगा और अक्रूड इंटरेस्ट से माइनस हो जाएगा। अभी हमें वो ट्रांजेक्शन नहीं करनी, लेकिन फ्यूचर में, जिसको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब आएगी तो हम दोबारा से एक बार समझेंगे। बात क्लियर है? एक ट्रांजेक्शन हमने अक्रूड की बताई आज, मैं नहीं चाहता कि इसमें वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है हमारी ऑलरेडी।
आज की क्लास में हम अक्रूड इंटरेस्ट ही करेंगे, अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे कि और इनकम भी कवर कर दें। आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता नहीं लगता टाइम कैसे बीत जाता है, मेरे एग्जाम्पल ख़त्म नहीं हो पाते इस टाइम पीरियड में। पूरा प्रयास था मेरा कि आज दो ले लूँगा मैं, पर अनफॉर्चुनेटली वीडियो फिर लंबी होती जा रही है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।